हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं इजी स्टेप में आपको समझाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के एनसीईआरटी के ऑल नेम रिएक्शंस चैप्टर 10 लेक्चर है इसका, लेक्चर है 10 नीट और जेई के भी इसके अंदर एक दो नेम रिएक्शंस हैं, तो इनको बहुत इजी स्टेप में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। देखिए पहला है जी आपका, पहला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर आपकी दो रिएक्शंस ऐसी हैं जो हैलोजन्स को एक्सचेंज करती है। हैलोजन लगा होगा उसी को दूसरा हैलोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरीके से। जैसे आपने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो ज्यादा पावरफुल आपका एलिमेंट है वो कम पावरफुल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास सपोज है CH3Cl या फिर CH3Br है आपके पास, या फिर CH3 कार्बन की चेन भी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर हम, सपोज ये ले लिया हमने। इसके अंदर हम रिएजेंट कौन कौन से डालते हैं, AgF या फिर आपका है एक ये मर्करस फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है HG2F2, कोई सा भी डाल सकते हैं इसके। सपोज इसमें मैंने डाला AgF, तो AgF में Ag पे है प्लस चार्ज, F पे है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऑपोजिटली अट्रैक्ट करके निकल जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है Ag निकलेगा Cl के साथ तो ये बन गया आपका AgCl, दूसरा F जाके लग गया उस जगह पे तो CH3F बन गया। देखिए हैलोजन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, रिएक्टेंट में रिएजेंट ने क्या कर दिया, हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया। इसीलिए जो आपके स्वार्ट्ज रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमेशा फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं जी, कौन से फ्लोरो कंपाउंड्स ही बनते हैं और कोई सा नहीं, बस फ्लोरो कंपाउंड्स फॉर्म करता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए इसके अंदर दूसरा लगा देता हूं HG2F2, इसके अंदर ये होगा एक नेगेटिव, यहां हो जाएगा आपका एक पॉजिटिव, क्लियर। अब देखिए यहां पे इसने इसको रिप्लेस कर देगा, Br जाके लग F जाके लग जाएगा आपकी Br की जगह, तो ये हो जाएगा CH3F और जो है Br वो HG के साथ निकल जाएगा HG2Br2, ये हो गया हैलोजन एक्सचेंज, ये भी हैलोजन एक्सचेंज। सपोज इसके अंदर डाल देते हैं हम फिर से AgF डाल देते हैं AgF, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे इसमें भी ये हुआ था नेगेटिव पॉजिटिव। Cl निकल जाएगा Ag के साथ फिर से AgCl और जो आपका ये F है उस जगह पे जाके लग जाएगा, तो CH3CH2CH2F, नाम करिए इसका फ्लोरो मिथाइल फ्लोराइड कह लीजिए इसको, या फिर वन फ्लोरो मीथेन, सेम वन फ्लोरो मीथेन, इसका है वन फ्लोरो प्रोपेन, दिस इज वन फ्लोरो, F बड़ा होगा F फ्लोरो प्रोपेन, वन फ्लोरो प्रोपेन, दिस इज वन फ्लोरो प्रोपेन, वन फ्लोरो प्रोपेन इसका नाम होगा, क्लियर। तो इसके अंदर देखिए लिखा क्या हुआ है, दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द प्रिपेरिंग ऑफ फ्लोरो एल्केन्स। देखिए फ्लोरो एल्केन्स फॉर्म हुए, द फ्लोरो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरो और ब्रोमो एल्केन, ये आपका क्लोरो एल्केन, दिस इज ब्रोमो एल्केन, विद सॉल्ट सच एज आपका ये वाला है मर्करस फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला है HG2F2, या फिर सिल्वर फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला है AgF, तो आपका बन जाएगा क्या, ये आपके फ्लोरो कंपाउंड्स बन जाएंगे, फ्लोरो एल्केन्स बन जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फिंकलस्टीन, देखिए ये है सेकंड आपकी नेम रिएक्शंस के अंदर, फिंकलस्टीन
फिंगर्स चेन क्या करती है, ये भी आपका हैलोजन को एक्सचेंज करता है, लेकिन जो आपका स्वार्ड्स था वो फ्लोरो कंपाउंड्स बना रहा था, फिंकलस्टीन बनाता है आयोडो कंपाउंड्स। क्या बनाता है? आयोडो कंपाउंड्स। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसे भी क्या कहा जाता है? हैलोजन एक्सचेंज। दिस इज हैलोजन एक्सचेंज। देखिए होता क्या है, अब यहाँ पे फिर से आपके क्लोरो या ब्रोमो के कंपाउंड है, सपोज ये है CH3Cl ऊपर वाला, CH3CH2 Br ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं CH3CH2CH2 और ये फिर Cl ले लेते हैं। इसका रिएजेंट फिक्स है जी, इसका रिएजेंट फिक्स है, उसमें दो अलग अलग रिएजेंट डाल सकते थे, ये या फिर वो। इसके अंदर फिक्स रिएजेंट है सोडियम आयोडाइड NaI हीट के साथ एसीटोन। एसीटोन आपको पता है कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, थिनर, बेसिकली चीजों को ना ये एक तरह का सॉल्वेंट भी प्रोवाइड करता है कि भाई रिएक्शन को एक मीडियम मिले रिएक्ट करने के लिए, बस यही काम है इसका, किसका? एसीटोन का। और ये आपको रिएक्शन फास्ट कराएगा, ये है आपका अटैकिंग रिएजेंट। यहां पे डाल देते हैं NaI हीट और ये हो गया जी एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसी को एसीटोन प्रोपेनोन थिनर क्या क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। इसके अंदर देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सबको एक साथ कर देंगे। अब देखिए NaI के अंदर Na पे हो जाएगा पॉजिटिव, I पे हो जाएगा नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, I पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, I पे नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज देखिए, ये जो है नेगेटिव ये इसके साथ निकल जाएगा Na के साथ, ये बन जाएगा NaCl, इसमें ऐसे ही फिर ये क्या बन जाएगा I जाके लग जाएगा उसके साथ CH3 के साथ, क्योंकि CH3 पे है पॉजिटिव चार्ज और I पे है नेगेटिव, जुड़ जाएंगे। ऑपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। यहां पे आपका फिर से Na के साथ निकल जाएगा Br, NaBr निकल जाएगा भाई प्लस, और जो I है उस जगह पे लग जाएगा जहां से आपका Br निकला है, इसका नाम होगा 1 iodo methane, दिस इज 1 iodo ethane, और जो नीचे वाला बनेगा वो बनेगा आपका I प्लस और इसमें NaCl निकल जाएगा। देखिए यहां पे ये नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ निकलेगा और ये जो नेगेटिव है जाके यहां लग जाएगा, कंपाउंड तैयार, 1 iodo एंड दिस इज प्रोपेन, 1 iodo propane, This is 1 iodo propane. ये है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन आपकी क्या कर रही थी? हैलोजन को एक्सचेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। This is called Hund-Stricker reaction. Hund-Stricker reaction आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको। तो देखिए क्या कहता है, बेसिकली इसमें क्या होगा, जितने आपके रिएक्टेंट के अंदर कार्बन होंगे प्रोडक्ट में जाते जाते उसमें उससे से एक कार्बन कम हो जाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते नंबर ऑफ कार्बन अगर कम होते हैं उसे कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्टेप डाउन रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते जाते प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं उसे बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर Hund-Stricker रिएक्शन के अंदर आपका कार्बन कम होगा। देखिए किस तरीके से, सपोज मैं कहता हूं CH3CH2 ये मेरे पास एक सॉल्ट है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका नाम होगा सिल्वर प्रोपेनोएट, दिस इज कॉल्ड सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट इस सॉल्ट का नाम। इसके अंदर हम रिएजेंट डालते हैं जी Br, मतलब ये Br2 है, Br बॉन्ड Br इज Br2। इसके साथ हम जो सॉल्वेंट डालते हैं वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या लिखा हुआ है? Bromo alkanes can be prepared by decomposing of silver salts of carboxylic acid. This is silver salt of carboxylic acid with Br, bromine मतलब Br2 की बात हो रही है, और in CCl4 मतलब ये है आपका एक solvent। अब ये क्या होगा? हम इसको negative मान लेते, इसको positive मान लेते, इसको negative मान लेते। भाई ये चीज इसके साथ निकल जाती है, AgBr निकल गया एक। अब यहां पे नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे नेगेटिव है
तो यहां पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव कब आ जाएगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां जाएगा नेगेटिव, यहां क्या जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट गया, ये वाला जो है बॉन्ड टूट गया। अब ये जो बना ये वाली चीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव, यहां पे एक बॉन्ड पहले से ही है और नेगेटिव पॉजिटिव हटाएंगे तो यहां पे दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। अब बचा क्या भाई इसके अंदर, Ag निकल गया इसके साथ, Ag निकल गया इसके साथ, और ये CO2 निकल गया। अब ये Br बचा, ये जाके Br लग जाएगा इस पे, Br पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करके लग जाएगा यहां पे। रिएक्टेंट में पहले आपके पास कितने कार्बन थे भाई, आपके पास थे तीन कार्बन, देखिए एक दो तीन, अब कितने बचे, दो कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक तो ये है, ये तो निकल गया वेस्ट प्रोडक्ट में, इसे बोलेंगे वन ब्रोमो इथेन, दिस इज कॉल्ड वन ब्रोमो इथेन। इसकी एक रिएक्शन देता हूं, आप करिएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे बोलेंगे सिल्वर ब्यूटेनोइट, सिल्वर ब्यूटेनोइट, दिस इज कॉल्ड सिल्वर ब्यूटेनोइट। रिएजेंट विल बी सेम एज अबव, कौन सा है जी, वो Br2CCl4, CCl4 Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये इसके साथ निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, और ये जाके अटैक कर जाएगा कहां पे, इस पे। कंपाउंड तैयार, ये CO2 को ऊपर फेंक देते हैं, उड़ गया ये, प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, भारी होता है नीचे बैठ जाएगा, चांदी का नमक, चांदी का नमक, AgBr काफी हैवी होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा नीचे, सेडिमेंटेशन जिसको हम बचपन में पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन, अगर कोई भी चीज रिएक्शन के टर्म्स में नीचे बैठ जाए, इट्स कॉल्ड सेडिमेंटेशन, व्हाट सेडिमेंटेशन। और आपका जो ये वाला Br है, ये वाला Br अटैक करेगा कहां पे, इस कार्बन के ऊपर, CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज व्हाट Br, दिस इज कॉल्ड वन ब्रोमो प्रोपेन, क्या है जी, वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड वन ब्रोमो प्रोपेन। ये है आपकी थर्ड नेम रिएक्शन, हुंडस्ट्रिकर रिएक्शन, क्या नाम है जिसका, है हुंडस्ट्रिकर रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर, नाम है इसका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन के रूप में भी आएंगे। अमाइन जो चैप्टर है आपका 13 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेकंड बुक का, अमाइंस के क्वेश्चंस में बहुत आते हैं, और ये जो रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन वहां बहुत यूज होती है, डाई एजोटाइजेशन, क्योंकि एनिलीन से स्टार्ट होती है ये रिएक्शन, स्टार्ट ही होती है कहां से, एनिलीन से, एनिलीन नहीं होगा तो ये रिएक्शन का नाम ही नहीं है। तो किस तरीके से होती है देखिए, अगर आपके पास एनिलीन है, कोई भी एनिलीन तो होता ही नहीं है, एक एनिलीन है आपके पास, एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर, बेंजीन इज ये वाला इज बेंजीन, इसके ऊपर लगा दीजिए NH2, दिस इज कॉल्ड क्या, एनिलीन। इसके साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ, किसके साथ, 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो कंडीशन है एनिलीन को जो रिएक्ट कराया जा रहा है वो ठंडी कंडीशन में कराया जा रहा है, ठंडी कंडीशन मतलब कहने का है, इसको आप रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट कराएंगे, जैसे एक नॉर्मल वातावरण होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर रूम का, तो उस पे ही रिएक्शन वर्क ही नहीं करेगी, रिएक्शन बनेगी। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक अलग से टेम्परेचर की, विच इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आपको इस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करना पड़ेगा। एनिलीन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं NaNO2 plus HCl के साथ, अच्छा एक और मजेदार चीज इसमें ये है कि इन दोनों की जगह पे आप एक और रिएजेंट डाल सकते हैं, क्यों, देखिए सपोज है ये आपका NaNO2 plus HCl, अब देखिए ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये जो चीज है नेगेटिव निकल गया किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, तो ये बन गया NaCl, इसका तो कोई रोल ही नहीं है अब यूज। अब बचा क्या, HN के साथ लग जाएगा, H प्लस है, NO2 नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा HNO2, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, स्पेलिंग है ये वाली, साफ सुथरी लिख देता हूं,
नाइट्रस एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, HNO2 इज नाइट्रस एसिड। मतलब कहने का है अगर आपके पास, अगर आपके पास NaNO2 प्लस HCl नहीं है तो उसकी जगह पे आप HNO2 भी डाल सकते हो जो है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन करने पे जो मेन कंटेंट बनता है वो यही बनता है, HNO2 ही बनता है, HNO2 ही बनता है वो HNO2। तो कहने का मतलब है इसका ऑल्टरनेट आप ये डाल सकते हो, HNO2 डाल सकते हो, इसका क्या नाम है नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन एक ही होगी, जो NH2 है बेंजीन के ऊपर उसको गायब कर देगा वो और बना देगा सीधा वहां पे क्या N2Cl बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर N2Cl, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं हम बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में इसको BDC कहते हैं, BDC, बी डी और सी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एनिलीन से बेंजीन, और ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये ऑयली डेरिवेटिव जैसा होता है, मतलब इसको देखेंगे ना आप तो थोड़ा ऑयली ऑयली नेचर का लगता है, ऑयली ऑयली नेचर का तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, आप उसे हाथ से टिप करिए, ऐसे रब करिए तो आपको देखा थोड़ा स्टिकी स्टिकी दिखा, सेम है यहां पे भी आपको उस तरीके से ऑयली नेचर होता है किसका, BDC का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ऑयली नेचर, कैसा जी, ऑयली नेचर, दिस इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में BDC कहते हैं जी इसको, सॉल्ट बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन, मतलब ठंडी कंडीशन में, ऑफ एनिलीन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl विद एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये रहा, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब कम पे, और दे रखा है आपको ये वाला, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पे करना है आपको। इसमें ये नहीं बताया गया कि NaNO2 प्लस HCl को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका नाइट्रस एसिड बनता है जो ऊपर लिखा हुआ, ये रहा, क्लियर, क्लियर। तो इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये भी है, हालांकि HNO2 आपको 12th क्लास की 11th क्लास की एकेडमिक जो स्कूल है स्कूल्स में जनरली मिलता नहीं है, जब आप मास्टर्स की डिग्री लेंगे या फिर बैचलर्स की अच्छे कॉलेज से तो वहां पे आप HNO2 का यूज कर सकते हैं, वहां मिलता है, लेकिन स्कूल के लेवल पे नहीं मिलता, कोई भी स्कूल नहीं प्रोवाइड करता, क्लियर। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पे, डायएजोटेशन बहुत इजी रिएक्शन है, सीधा एनिलीन को कन्वर्ट करेगी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर, ऑयली नेचर होता है जी, ऑयली डेरिवेटिव होता है, ऑयली डेरिवेटिव, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, अब क्या हुआ, एनिलीन से हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो बना लिया, अब डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हेलोएरीन बनाने के चार तरीके हैं, जिसमें तीन तो है नेम रिएक्शन, एक है सैंडमेयर जो ये दिख रही, इसके बाद आती है गैटरमैन, तीसरी आती है आपकी बाल्सक्यूमेन, चौथी वाली नेम ही नहीं है उसका, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सैंडमेयर से ही, देख क्या लिखा हुआ है, क्लोरो या ब्रोमो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट, ये डायजोनियम सॉल्ट मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की बात हो रही है, सॉल्यूशन विद कॉपरस क्लोराइड और कॉपरस ब्रोमाइड डिसॉल्व इन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, मतलब कहने का ये हुआ अगर आपके पास N2Cl बेंजीन है, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, सैंडमेयर रिएक्शन बता रहा हूं जी, सैंडमेयर इंपॉर्टेंट है जी, इसको अगर आप CuCl प्लस HCl के साथ रिएक्ट करा दें या फिर इसको आप CuBr प्लस HBr के साथ, मतलब ऐसा सॉल्ट लेना है जिसका हैलोजन एसिड से मैच करे, इसमें Br इसमें Br, आप ऐसे नहीं ले सकते कि CuBr प्लस HCl, CuCl प्लस HBr, इस तरीके से आप इसको नहीं ले सकते, क्लियर। तो यहां पे जो हैलोजन है ये इस चीज को पूरा का पूरा क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके हटा देगा और यहां पे लग जाएगा ये क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस सुमंतर उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा, इसमें भी ऐसे होगा, यहां लग जाएगा Br उस जगह पे, इस पूरी पोजीशन पे लग जाएगा, कहां पे Br, और फिर से N2 गैस, दिस इज N2 गैस, यही है इसमें मेन, N2 गैस उड़ जाती है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन,
N2Cl बेंजीन के ऊपर डायजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर आपको बनाना है क्लोरो बेंजीन या फिर ब्रोमो बेंजीन, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। नाम है रिएक्शन का क्या? सेंड मेयर्स रिएक्शन। व्हाट? सेंड मेयर्स रिएक्शन। क्लियर? बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है छठी वाली, उसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। देखिए गैटरमैन लिखा होगा, गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर को देख के ही गैटरमैन का आइडिया है, सैंडमेयर को देख के गैटरमैन का आइडिया। देखिए N2Cl बेंजीन के ऊपर क्या है जी, N2Cl बेंजीन के ऊपर वो क्या करता था, CuCl plus HCl डाल दिया। दोनों के अंदर हैलोजन है, दोनों के अंदर हैलोजन है। कौन, ये किसका रिएजेंट है? ये सैंडमेयर का है। हमें इसको इसका यूज नहीं करना, मैं बता रहा हूं, सुनिए। CuCl plus HCl, CuCl plus HCl दोनों के अंदर हैलोजन है। गैटरमैन क्या कहते हैं भाई, दोनों के अंदर हैलोजन की क्या जरूरत है? हम यहां पे HCl लेते हैं और कंसंट्रेट ही लेते हैं, लीजिए कंसंट्रेटेड। लेकिन हम इसके अंदर जो सॉल्ट ले रहे हैं कॉपर का क्लोराइड वाला, इसको हम सॉल्ट ना लेके सीधा कॉपर का ग्रैन्यूल्स ले लें, मतलब कहने का है कॉपर का पाउडर ले लें। क्या ले जी? कॉपर का पाउडर, पाउडर, ये पाउडर है, ये पाउडर लिखा हुआ है, कॉपर पाउडर। तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? रिएक्शन हो गई। फिर से कैटरमैन की भी रिएक्शन हो गई, हालांकि उसने ये वाला रिएजेंट यूज नहीं किया, CuCl plus HCl यूज नहीं किया, उसने क्या यूज किया, कॉपर का बस पाउडर लिया और कंसंट्रेटेड HCl, इसको उड़ा दिया जी उसने, और Cl लग गया ऊपर, किसके, N2Cl की जगह पे नाम बन गया इसका क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया जी? क्लोरोबेंजीन। इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोबेंजीन, जो पहले बने थे। और ये भी क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। सैंडमेयर को देख के कॉपी मारी आ गया, सैंडमेयर को देख के कॉपी मारते आ गया। अब देखिए सेवंथ रिएक्शन है बाल्स्क्यूमन, दिस कॉल्ड बाल्स्क्यूमन। बाल्स्क्यूमन क्या कहते हैं? अगर आपके पास N2Cl बेंजीन के ऊपर है, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC, जो अभी आपने सैंडमेयर में यूज किया, आपने किया गैटरमैन के अंदर यूज, सेम बाल्स्क्यूमन में यूज कर रहे हैं। डालते हैं जी इसके अंदर HBF4, किसके साथ, हीट के साथ। अच्छा एक और चीज है, इसको बनाने के लिए दो चीजों का यूज किया जाता है, एक होता है BF3 प्लस HF, इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो बन जाता है आपका यही, ठीक है, HBF4। तो ये रिएजेंट है आपका, इसके अंदर डालेंगे तो इसको हटा देगा पूरा, और उसकी जगह क्या लग जाएगा भाई, ये लग जाएगा, ये बेंजीन है पूरा, ये पूरा का पूरा बेंजीन है। इट्स कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरो, दिस इज कॉल्ड वन फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन। ये है आपकी बाल्स्क्यूमन रिएक्शन, ये है आपकी वुड्स रिएक्शन, ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के आप दो मोल लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, और ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, सोडियम की रिएक्टिविटी को थाम के रखता है, थाम के मना के रखता है कि भाई तू ज्यादा हाइपर ना होके रिएक्ट मत करियो, लिमिटेड ही रिएक्ट करेंगे और एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, केमिस्ट्री। इसी को तो केमिस्ट्री कहते हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट और रिएजेंट जब रिएक्ट होते हैं तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी का नाम है केमिस्ट्री। क्योंकि अनस्टेबल बना तो काम का ही नहीं है, बनेगा इधर उधर चीजों को बर्बाद करेगा और खराब करेगा। स्टेबल जो काम का हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर स्टेबल नहीं, अनस्टेबल चीजें नहीं बनती, बनती हैं, लेकिन वो ज्यादा बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए आपके लिए मतलब बनती हैं। क्लियर? तो देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या है, सपोज मैं कहता हूं CH3Cl है मेरे पास, इसको मैं रिएक्ट कराता हूं 2Na ड्राई ईथर के साथ, 2Na ड्राई ईथर के साथ। इसके कितने मोल, दो मोल लिखा है ना, 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्काइल हैलाइड। इसके 2 Cl Na के साथ निकल गए NaCl प्लस, और ये कितने CH3 बचे, 2 CH3। और जहां से आपका ये हैलोजन निकल रहा है ना, देखिए जैसे इस एक ही मोल को मैं यूज करता हूं, ये CH3 इस जगह पे क्या लगा था, Cl, तो इस जगह पे Cl को आपको हटा देना है, सोचना ही नहीं है कि वहां पे Cl है। यहां पे क्या करना है, जितने कार्बन दूसरी बार है उसी को ऐड कर देना है, मतलब कहने का ये हुआ CH3 CH3 लग गया। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको, देखिए ध्यान रखिएगा, इसी रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। ये आपका बन गया वैसे इथेन बन गया, ये दूसरे तरीके से भी देखिए,
CH3 Cl CL CH3 दो मोल यूज होगा भाई अल्काइल हैलाइड के, और बीच में क्या डालना है हमें 2Na, यहां प्लस डालिए यहां प्लस डालिए 2Na, ये 2Na है 2Na, और ये हो गया आपका Cl। अब देखिए ये Cl इस 2Na के साथ, ये Cl 2Na के साथ निकल गया NaCl, और क्या बचे 2CH3 यहां पे क्या डालेंगे ड्राई ईथर, क्योंकि Na तो हम बीच में डाल चुके हैं, और ये जुड़ जाएंगे आपके CH3 CH3, ये क्या बन गया जी इथेन, अगेन बन गया क्या ये इथेन, क्या बन गया इथेन, इसको नोट कर लीजिए। इसका मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, पहले देख लेते हैं क्या है। देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटैलिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन्स, और ये जो एल्केन जो बन रहा है ये इस वाले एल्केन से इसमें डबल कार्बन होंगे, क्या होंगे डबल कार्बन। अच्छा एल्केन में ये भी चीज है, ओ वुड्स रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में हमेशा नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इवन रहते हैं आपकी। देखिए जैसे यहां पे रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, ऑड है, एक ही है, लेकिन इधर बनते ये इवन हो गया, इधर अगर एक होगा तो इधर दो बनेंगे, इधर दो होंगे तो चार बनेंगे, मतलब इवन होगा तो भी इवन, ऑड होगा तो भी इवन ही बनेगा। तो प्रोडक्ट हमेशा वुड्स रिएक्शन का इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही होता है, क्योंकि एक का डबल भी इवन, दो का डबल भी इवन, तीन का डबल भी इवन, तीन और एक आपके ऑड है उनका डबल करेंगे तो इवन ही बन रहा है। क्लियर? इसको देखिए एक और तरीके से बताता हूं मैं, मतलब और इसके एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए जैसे सपोज ले लिया हमने CH3 CH2 Cl ले लिया प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3, ये आपका हो गया 2NaCl प्लस, दो कार्बन है उस साइड के और इधर के दो कार्बन, दोनों को जोड़ दीजिए, बन गया आपका ब्यूटेन, क्या बन गया जी, दिस कॉल्ड ब्यूटेन। देखिए CH3 एक और लेते हैं, ऐसे लेते हैं इसको CH3 CH3 CCl, चलिए इसको BR कर लेते हैं, अब इसको BR कर लेते हैं, BR है प्लस 2Na प्लस BR CH CH3 CH3, देखिए क्या निकल गया 2NaBr निकल गया जी, प्लस इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा CH CH CH, अरे रुको CH, नीचे CH3, नीचे CH3, ऐसी था ना ये, ऐसी था ये, अब बीच में इन दोनों जोड़ दिया, ये कंपाउंड बन गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन, दूसरे और तीसरे पे मिथाइल है, 2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl, dimethyl, this is butane, dimethylbutane, इसका नाम देखेंगे, तो 2-bromo-propane, this is called what, 2-bromo-propane, 2-bromo-propane, क्या होगा 2-bromo-propane, ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए डॉस प्रोसेस, देखिए डॉस प्रोसेस क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ओ अल्काइल हैलाइड हेलो एरीन है, आपको पता होगा कि क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा है, तो इस कार्बन और इसके क्लोरीन के बीच में यहां पे होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, यहां क्या होता है जी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस आप लोगों को पता ही होगा, शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड कॉल्ड द प्रोसेस रेजोनेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड है और उस पे पॉसिबिलिटी है डीलोकलाइज करने की, इधर से उधर होने की, मूव करने की, अल्टरनेटली उसको मूव करने की, इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हमेशा कंपाउंड को स्टेबिलिटी की ओर धकेलता है,
अनस्टेबल होगा तो भी वो स्टेबिलिटी की साइड ले जाएगा उसको, मतलब कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बनेगा। और उस टाइम पे यहां पे इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में दो डबल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड तो होता है, यहां पे एक और जो बॉन्ड है वो आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसी वजह से डॉल्स प्रोसेस में बेंजीन के ऊपर सीएल लगा है, इसमें डालते हैं एक्वस केओएच, पानी वाला है तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, साथ में डालते हैं हीट। ये एक तरह की जो रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियोफिलिक ही रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, बस यहां पे हीट की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ रही है, हीट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, बस हीट की रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है, तो क्या करेगा ये जो K है इस Cl के साथ निकल जाएगा, हीट तोड़ेगा पहले इसको, हीट, ये हीट है इस डबल बॉन्ड को, तो एक बॉन्ड तो पहले ही था और रेजोनेंस की वजह से यहां पे दूसरा बॉन्ड भी आ जाएगा, तो हीट तोड़ेगा उसको और यहां बना देगा क्या Cl के जगह लग जाएगा OH, मतलब नेगेटिव ने नेगेटिव को हटा दिया और K लग जाएगा किसके साथ Cl के साथ, तो KCl निकल गया। दिस कॉल्ड का डॉल्स प्रोसेस। एराइल हैलाइड, देखिए एराइल हैलाइड व्हेन हीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर 3300 एटीएम प्रेशर द हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को हटा के क्या लग गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म फिनॉल, दिस इज कॉल्ड क्या, इसे कहते हैं फिनॉल। वो क्लोरोबेंजीन था जी, इसका नाम था क्लोरोबेंजीन, क्या था जी क्लोरो बेंजीन नाम था इसका, क्लोरोबेंजीन। क्लियर, दिस कॉल्ड डॉल्स प्रोसेस। याद रखिएगा डॉल्स प्रोसेस में हीट मस्ट, अगर आप क्लोरोबेंजीन को एक्वस केओएच के साथ रिएक्ट करा रहे हैं वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो करेगा रिएक्ट, हीट डालेंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, यहां पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा रेजोनेंस की वजह से उसको ब्रेक करेगा फटाक से और OH को फेंकेगा Cl की जगह पे, Cl निकल जाएगा K के साथ, ये KCl की फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड डॉल्स प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लिखा भी हुआ है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है। क्लियर, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है ये, लास्ट रिएक्शन है आपकी, लास्ट 10 ही है इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 10 ही रिएक्शन थी इसमें इंपॉर्टेंट वाली, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये है आपका वुड्स का रिएजेंट रिएक्टेड CH3Cl और फिटिंग का होता है ये हल्का, ये हेलो एल्केन है, दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, और फिटिंग में लेते हैं क्या हेलो एल्केन है ये, और फिटिंग में लेते हैं हम वुड्स का ये वाला हो गया और फिटिंग का होता है हेलो एरीन, ये हेलो एरीन, हेलो एरीन, इसको डालते हैं आप सेम वुड्स का ही रिएजेंट है ड्राई इथर, तो ये सीएल और ये सीएल दो एनए के साथ निकल जाते हैं ये टू एनएसीएल के रूप में, टू एनएसीएल के रूप में, ये सोडियम क्लोराइड है प्लस ये जो CH3 है ये इस क्लोरीन की जगह पे लग जाएगा बैठ जाएगा जाके, तो ये बन गया आपका क्या बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3, इसे कहते हैं टॉलुइन, क्या बोलते हैं टॉलुइन, क्या बोलते हैं इसको टॉलुइन। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी किसकी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की, बहुत शॉर्ट में बताया आपको, बहुत अच्छे से बताया, सारी रिएक्शंस को एक पेज पे लिख के याद रखिए, याद करिएगा, चार्ट बना के डाल लीजिएगा इसको और चार्ट इसके जो दीवार पे चिपका लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करने से बेटर है आप देख विजुअलाइज चीजों करेंगे ना तो वो ज्यादा यूजफुल होती है और जल्दी से वो याद हो जाती है। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।